आई रियली डोंट नो तुम में से कितने लोगों को याद होगा, बट एक मूवी आई थी सलमान की तेरे नाम, उसमें भाई ने एक लुक किया था मिडिल मांग वाली, और पता नहीं क्या अलग ही चला वो फैशन ना, सारे लोग बीच की मांग डाल के रोड पे चल रहे कि मैं सलमान खान। अबे क्या था तू, पहले उनको भी क्या बोलूं, उन लोगों में मैं भी था। मजाक नहीं कर रहा, ये उस समय की बात है जब मेरे सर पे बाल थे। ए ब्रो, बट संजय दत्त बोल के सलमान खान बता रहा है हूती है। ये मैंने अभी क्यों बताया, तुम्हें वीडियो में पता चलेगा। पचास तोला यार, तुम्हें मालूम है रिसेंटली टीजर लॉन्च हुआ है संजू का, जिसमें रणबीर कपूर एक्ट कर रहा है संजय दत्त की। वेल आई नो तुम्हें से बहुत लोगों को पसंद आया है, बट एज अ डाई हार्ड फैन ऑफ संजय दत्त, लेट मी टेल यू, देयर इज नो वन लाइक संजय दत्त। ट्रू स्टोरी। चल बोल के एक्टिंग वाइज मे भी बहुत अच्छा करेगा, क्योंकि रणबीर कपूर एक्सलेंट एक्टर है। आई स्टिल लव रॉकस्टार, बट आज हम संजय दत्त के बारे में बात करेंगे। ओके, मैं तुम्हें चाह के भी वो टीजर का कुछ भी नहीं दिखा सकता। कॉपीराइट नहीं दिखाएगा क्यों यशराज, तुम्हारे चक्कर में मैं दूसरी मूवी में ढंग से प्रमोट नहीं कर सकता, क्या पता सबो भी चिंदी चोर निकले, अच्छा नहीं लगेगा ना। बट मैं आज बात करेगा संजय दत्त के बारे में कि मैं और संजय दत्त क्या है, मतलब मेरा और संजय दत्त का क्या रिश्ता है। तो मैं अपने खानदान में सबसे छोटा, तुम्हें मालूम है, और सबसे बिगड़ा है, क्योंकि सबसे ज्यादा प्यार और लाड दुलार सब मुझे मिला है, इवन आज भी। बट जब तुम्हें इतना ज्यादा प्यार मिलता है ना, तुम्हारी हरकतें बिगड़ जाती है, तुम छिछोरे बन जाते हो जस्ट लाइक मी। अरे प्यार तो करते थे, पर डांट भी बहुत पड़ती थी, और डांट तो चलो ठीक है वो तो हम थेत्थर थे, पर थप्पड़ पड़ जाते थे बे। मैं बहुत परेशान था, नादान था, समझ नहीं आ रहा था क्या करूं। और उसी टाइम टीवी पे एक मूवी आई वास्तव। ए बाबा क्या देख रहे हो वैसे, 50 तोला। क्या 50 तोला? वास्तव एक ऐसी मूवी थी ना जिससे बचपन में मैं रिलेट कर रहा था। अब बचपन में तुम्हारी ना इनोसेंस होती है, तुम किसी को पसंद करते हो तो दिल से पसंद करते हो, मतलब कोई लॉजिक नहीं होता उसके पीछे। मुझे संजय दत्त से प्यार हो गया पहली नजर में, बाय गॉड मजाक नहीं कर रहा। जब इन दी एंड संजय दत्त की माँ रीमा लागू जी उसको गोली मारती ना, बाय गॉड मैं ऑलमोस्ट टीवी तोड़ने वाला था कि ये गलत हो रहा है, ये सही नहीं। उस दिन से लेके आज तक अपनी माँ पे भरोसा नहीं मुझे, और मुझे ये भी लगता है कि मेरी माँ ही मुझे गोली मारेगी, ये ज्यादा हो गया। तुम्हें याद है एक मूवी आई थी मुसाफिर, जिसमें बाबा थे हमारे और उनके हाथ में वो घुमाने वाला होता था। मुझे इतना ज्यादा स्वैग लगा ना बाबा का, मैं कहा ये चाहिए, क्योंकि स्वैग इम्पोर्टेंट है बे, पर ज्ञानी गरीब है, वो घर वाले दिला नहीं रहते मेरे को। अगर तुमने वो देखा है ना चाकू, मैं इतना गरीब आदमी कि मेरे ज्योमेट्री बॉक्स में वो प्रकार होता था जिससे सर्कल बनाते, मैंने उसका पेच ढीला कर दिया, तो इतना ढीला कर दिया कि वो इजिली मूव कर सकता था। और बड़े चौड़ में पूरी गलियों में स्कूल में जाकर घूमता था। ये बॉय स्वैग इम्पोर्टेंट है। मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं संजय दत्त का सबसे बड़ा फैन हूँ, बाबा का एक अलग ही ऑरा, एक अलग ही वाइब्स है। मैं डाई हार्ड फैन इसलिए नहीं कहूंगा अपने आपको, क्योंकि लिटरली मैंने उनकी फिल्में नहीं देखी, मैंने आधे से ज्यादा फिल्में नहीं देखी उनकी, ना हम सड़क ना खलनायक तक नहीं देखी मैंने। और आई बेट तुम में से बहुत सारे लोग मुझसे ज्यादा बड़े फैन होंगे बाबा की एक्टिंग के, बट मैं बाबा की एक्टिंग से ज्यादा उनके गाने का फैन हूँ। आई नो मैन, इट्स डिफरेंट। मतलब ऐसा नहीं कि जो लोग उनके लिए गाना गाते वो बेकार गाते, मतलब कुछ गाने हैं बाबा के जो दूसरों ने गाए बट मुझे पसंद है। फॉर एग्जाम्पल साकी साकी, ओ साकी साकी रे साकी साकी, आपस और न जावे कोई ख्वाहिश बाकी, ओ साकी साकी रे साकी साकी, आपस और न जावे कोई ख्वाहिश बाकी। I bet अगर तुम रियल म्यूजिक फैन हो ना, तुम्हें ये पसंद नहीं आएगा, बट अगर तुम मेरी तरह म्यूजिक फैन हो ना और बाबा को पसंद करते हो, यू गॉना लव दिस वन, इसका अपना ही स्वैग है बाबा। मैं कह रहा हूँ सच में, दिल से बोल रहा हूँ ये बात, कि अगर ये गाना संजय दत्त ने गाया था ना तो और कतला होता। इसी मूवी में एक और गाना था जो संजय दत्त ने गाया था, स्वैगी, एक नंबर स्वैगी। जान जाए तो जान जाए मेरा माल ना जाए, मान जाए तो किसी ना किसी की जान जाए। तुम्हें क्या लगता है बचपन से लेके आज तक ये स्वैगी बनने की चाहत मेरी खत्म क्यों नहीं हुई? अरे मेरा इंस्पिरेशन का लेवल बहुत हाई है बे, बाबा जैसा बनने का है। काव सुने ना, मूछे हो तो नत्थू लाल जैसी, एग्जैक्टली वही सीन है। स्वैग हो तो संजय दत्त जैसा हो, वरना ना हो। चल बोल के।
Although बाबा ने बहुत लिमिटेड गाने गाए हैं, बट एक मूवी आई थी काटे, आई बेट तुम में से ज्यादा लोगों ने नहीं देखी होगी। मैं उस मूवी को कितनी बार देख चुका हूँ, मैं गिनती तक भूल चुका हूँ। अरे सारे फेवरेट बंदे मेरे, अमिताभ बच्चन, संजय दत्त, महेश मांजरेकर, सुनील शेट्टी, सारे बंदे जो उस मूवी में थे ना, मेरे फेवरेट बंदे। और प्लस सबने ओरिजिनल गाने गाए हैं अपनी आवाज पे। उस फिल्म में एक गाना था जो एग्जैक्टली तुम्हारी फीलिंग अभी बयान कर रहा है, क्योंकि तुम मेरी बकवास सुन सुन के पक चुके हो। पक गया, थक गया, तू जो भी बोला मेरे सर में अटक गया भाई। आए आए ना, तुम बैठ के मुझे जज कर रहे हो कि यार क्या बेसुरे लोगों को सपोर्ट करता है, बेसुरे गाने पसंद। अरे नहीं बाबा, ये जिस सुर में गा रहे हैं इनकी डिस्कवरी नहीं हुई, मैं सच बता रहा हूँ, मजाक भी नहीं कर रहा। ये जिस सुर ताल में गा रहे हैं ना, तुम्हारा कोई भी बॉलीवुड सिंगर उठा लो या फॉरेन सिंगर उठा लो, उनकी जी में दम है ना, बोलो ये गा के दिखाए। खोपड़ी मरो ना रे, जिस इंजॉयमेंट के साथ, जिस स्वैग के साथ ये लोग गा रहे, गा के दिखाओ। माल होई सेफ होई बूम से बूम, माल बूम, अपन माला माल रे, कोई ना फिकर अपने। इसी मूवी का एक और गाना था जो मैं हर दिन गाता हूँ अपनी यूट्यूब अर्निंग देख के। बट अगेन, क्योंकि अब मैं संजय दत्त का फैन है तो मेरी भी सेम लाइनें होती है। सोचना है क्या, जो होना है होगा, चल बड़े है फिक्र यार धुएं में उड़ा के। और ऐसी एक और मूवी आई थी बाबा की, प्राण नंबर मूवी है। मुझे तो समझ में नहीं आया क्यों लोगों ने नहीं देखा। मुसाफिर, काटे, प्लान, एक नंबर स्वैगी मूवीज है। अगर तुमने नहीं देखी ना, जाके जरूर देखना। और प्लान में भी एक गाना बाबा ने गाया था जो बेसिकली स्वैग को डिफाइन करता है। अगर तुम्हें नहीं पता ना स्वैग क्या है, स्वैग ये है। एम खेम कैसी जेम, नेम का ये गेम है, नेम का ये गेम है, नेम का ये गेम है, नाम बदनाम है मगर अपुन का फेम है। तुम्हें क्या लगता है मैं यूट्यूब पे क्या करता हूँ? दादागिरी, अपुन की दादागिरी। आई नो तुम लोग क्या सोच रहे हो कि ब्रो इतना ओवर कॉन्फिडेंस रखने के लिए क्या है तेरे पास? आगे की लाइनें सुनो बे, बाबा ने सब बताया तुम्हें। चलता है अपुन का जोर लंबा, अपना हाथ है, नेता वेता डॉन वॉन सब अपुन के साथ है। और सिर्फ ऐसा नहीं कि बाबा ने सिर्फ स्वैगी गाने गाए हैं, बाबा ने भाईचारे के ऊपर भी गाने गाए हैं। फॉर एग्जाम्पल, अपने भाई जान के साथ, चल मेरे भाई, चल मेरे भाई। अगर तुम्हें अभी भी लगता है ना बाबा बहुत घटिया सिंगर है, ब्रो अगर तुम अपने आप को अच्छा सिंगर समझते हो, तुम में से कितने लोगों ने आशा भोसले के साथ गाना गाया? किसी ने नहीं। मेरे बाबा ने गाया है, उसके कर्ण अर्जुन आए या ना आए, मेरे बाबा गाएंगे। आपके दिल में थोड़ी सी जगह चाहिए, आपके दिल में थोड़ी सी जगह चाहिए, चाहिए, चाहिए। बाबा बाबा आई डोंट नो तुम देख रहे हो कि नहीं देख रहे, बट जस्ट इनकेस देख रहे हो ना, नहीं कोई दिक्कत नहीं, मिलोगे नहीं, आई नो बेजी बंदे हो। बट अगर ये देख रहे हो या तुम जानते हो ना बाबा को, मेरा बस एक मैसेज पास करना उनको, बाबा एक म्यूजिक एल्बम बनती मेरे जैसे लोगों के लिए बनती है जिनको तुम्हारी आवाज से प्यार है, एक्टिंग से भी है, बट एक्टिंग से ज्यादा मुझे आवाज पसंद है। एक एल्बम या एक गाना स्वैगी टाइप का अपने हिसाब से गाने का। और अगर तुम भी मेरे साथ एग्री करते हो तो शेयर करो यार इस वीडियो को, पहुंचाओ बाबा तक मेरा मैसेज। बाबा वी लव यू मैन, बहुत कुछ देखा है, और आई होप, आई प्रे कि आने वाला कल पास्ट से बहुत अच्छा होगा, क्योंकि आई थिंक ऑलमोस्ट सारी चीज़ें सॉल्व हो चुकी हैं। सो आई एम एक्साइटेड फॉर द मूवी, आई एम एक्साइटेड फॉर बाबाज मूवी जिसके लिए वो शूटिंग कर रहे हैं बाहर। आई एम गोना वॉच एवरीथिंग क्योंकि वेल्ला हूँ मैं। बट बेस्ट ऑफ लक फॉर संजू, एंड आई नो तुम लोग भी एक्साइटेड हो। अगर तुमने टीजर देखा है तो कमेंट करो, मुझे बताओ तुम्हें कैसा लगा, और क्या तुम खुश हो, या तुम्हारे मन में भी डाउट है कि रणवीर सिंह संजय दत्त बन पाएगा कि नहीं मेरी तरह। और अभी के भी आई होप तुम लोगों ने एंजॉय किया हो, अगर एंजॉय किया तो लाइक करना भूलना, नहीं हो तो सब्सक्राइब करना भूलना। और मैं भी जा रहा हूँ माँ को सॉरी बोलने, पहले ही सॉरी बोल देता हूँ, क्या पता घर से निकाल दे वीडियो देखने के बाद। And just in case if you're planning to buy anything from Amazon, jo link description mein use use karo, that will support me, these videos and this channel. Abhi ke liye tak kaafi, aapse agli mulaqat hogi kal ek aur nayi video ke sath, tab tak ke liye peace out. मतलब फरहान अख्तर, फरहान अख्तर क्यों पसंद है मुझे? उसकी एक्टिंग के लिए? नो, उसकी आवाज के लिए। आवाज आ रहे न जाए कोई ख्वाहिश बाकी।
तीनों चोरी चोरी हराम गोरी अपना बस एक ही जवाब है यार। अबे साले तकदीर तेरी छुट्टी पे मौत तेरे सर पे लेकिन बातें ऐसी करता है जैसे जिंदगी तेरे बिस्तर पे। आपके दिल में थोड़ी सी जगह चाहिए।